दोस्तों मशीन हमारे काम को तो आसान बनाती हैं, साथ ही हमारे समय को भी बचाती हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे फैक्ट्री में अमेजिंग प्रोडक्ट को बनाया जाता है और किस प्रकार एक मच्छर अगरबत्ती से व्यक्ति की जान भी जा सकती है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल पर नए हैं तो प्लीज यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सोप मेकिंग प्रोसेस। साबुन का यूज हम नहाने और बर्तन साफ करने में करते हैं। तो चलिए आज हम आपको बता दें कि फैक्ट्री में इस साबुन को कैसे बनाया जाता है। जनरली टाइप से सोडियम हाइड्रोक्साइड और कॉस्मेटिक सब्सटेंस का यूज करके इस सोप को बनाया जाता है। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को एक कंटेनर में डालकर उसमें पानी को ऐड करके लगभग एक घंटे तक मिक्स किया जाता है। अब केमिकल रिएक्शन के कारण इसका कलर व्हाइट हो जाता है। इसके बाद इस पेस्ट के पतले पतले रिबन्स बनाकर उसे मिक्सिंग ग्राइंडर में अच्छी तरीके से मैश किया जाता है। अब इस मिश्रण को एक मिल्स मशीन में चौड़ी पट्टियों के रूप में काट दिया जाता है। इस फुल प्रोसेस के बाद इन्हें एक एक्सट्रूडर मशीन में डाला जाता है जहाँ पर इसमें कलर के लिक्विड फॉर्म को ऐड किया जाता है और इसी के साथ कॉस्मेटिक ऑयल को ऐड करके मिक्सिंग ब्लेड द्वारा मिक्स किया जाता है। अब इस मिश्रण को कंप्रेस मशीन में डाला जाता है तो इसे साबुन की लंबी लंबी शीट में बिछा देती हैं। अब कुछ कटर ब्लेड द्वारा इन्हें एक साबुन का शेप दे दिया जाता है। कंपनी की ब्रांडिंग की जाती है और इन्हें सोप पैकेट में पैक कर दिया जाता है। लाइट बल्ब मेकिंग। दोस्तों लाइट बल्ब को आप सभी के घरों में देखा जा सकता है, लेकिन दोस्तों आपने कभी सोचा है कि फैक्ट्री में इन लाइट बल्ब को कैसे बनाया जाता होगा? शायद आप यह नहीं जानते होंगे, तो चलिए हम ही बता देते हैं। सबसे पहले फैक्ट्री में कांच को पिघलाकर उन्हें लिक्विड के रूप में ग्लास का शेप दिया जाता है। इन ग्लास शेप को गर्म करके एक रोटरिंग मशीन इसे सीएफएल का आकार दे देती है। अब इन बल्ब में एक लिक्विड टाइटेनियम डाइऑक्साइड को भरा जाता है जिसके कारण यह प्रकाश को चारों ओर फैला पाते हैं। अब इनमें फास्फोरस ठोस को भी डाला जाता है तथा रोटेटिंग प्रोसेस एक्स्ट्रा फास्फोरस को बाहर निकाल लेती हैं। इसके बाद इस बल्ब के अंदर वाले प्रिंटेड बोर्ड वाले फिलामेंट को बनाया जाता है जिन्हें एक रोबोटिक मशीन आसानी से बल्ब के अंदर फिट कर देती है। अब इस बल्ब को एक फॉर्मल गैस की हेल्प से सील पैक किया जाता है। इस प्रोसेस के बाद इन सभी बल्ब की एक कतार में टेस्टिंग की जाती है, बाद में इन्हें पैकिंग कर शिपिंग के लिए भेज दिया जाता है। मॉस्किटो कॉइल मेकिंग। दोस्तों मॉस्किटो कॉइल को आप सभी जरूर जानते होंगे, इसका यूज मच्छरों को मारने में किया जाता है, लेकिन अभी तो नए नए बहुत सारे प्रोडक्ट जैसे ऑल आउट मॉस्किटो बेट आ गए हैं, इसलिए इसका यूज़ बहुत कम होने लगा है। तो चलिए देख लेते हैं मॉस्किटो कॉइल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इस कॉइल को जनरली टाइप से तीन मोस्ट इंग्रेडिएंट्स जैसे यूकेलिप्टस, सिनेट्रोला और टर्मरिक यानी हल्दी का यूज़ करके बनाया जाता है। अब इन सभी इंग्रेडिएंट्स को एक ब्लेंडर मशीन में शेल पाउडर और नारियल तेल के साथ ऐड किया जाता है तक कुछ देर तक मिक्स किया जाता है। इसी के साथ इसमें कलर और नीम के पत्तों के पाउडर को भी मिक्स किया जाता है। ये सभी इंग्रेडिएंट्स मच्छरों के नर्वस सिस्टम पर अटैक करते हैं, लेकिन मानव पर इसका कुछ ज़्यादा असर नहीं देखने को मिलता है। हाँ, अगर इसे एक पैक कमरे में चलाया जाए तो धुएं की घुटन के कारण व्यक्ति मर भी सकता है। अब इसे एक चौड़ी शीट के रूप में बराबर भागों में बांट दिया जाता है। इस प्रोसेस के बाद एक स्टम्पिंग मशीन इन्हें कोयल का शेप दे देती है।
जिसके बाद इन्हें 5 घंटों तक एक हॉट चेम्बर में रखा जाता है। इस प्रोसेस के बाद इन्हें एक ऑटोमेटिक पैकिंग लाइन में भेजा जाता है, जिन्हें पैक करने के बाद शिपिंग के लिए भेज दिया जाता है।